सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण का टॉपिक जिसका नाम है कारक। ये जो टॉपिक है ये हम पढ़ेंगे कारक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं केस। क्या कहते हैं? केस। तो हम सबसे पहले इसकी परिभाषा से जानते हैं कि कारक क्या होता है। तो कारक वह होते हैं संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। परिभाषा फिर से एक बार पढ़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाता है। आपको एक वाक्य दे दिया गया है कि बच्चे ने खाना खाया, बच्चे ने खाना खाया। बच्चे क्या है यहाँ पर? संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए। क्रिया क्या हो रही है यहाँ पर? खाना खाने की क्रिया हो रही है, खाना खाया। खाया यहाँ पर क्रिया है, लेकिन उसका संबंध संज्ञा या सर्वनाम से। खाना किसने खाया? बच्चे ने खाया। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य की क्रिया से, वाक्य की क्रिया से। ये हो गया आपका संज्ञा, ये हो गया क्रिया। तो संज्ञा या सर्वनाम से वाक्य का संबंध क्रिया से जोड़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कारक। बच्चे ने खाना खाया, किसने खाना खाया? बच्चे ने। तो संज्ञा और खाया यानी क्रिया का संबंध आपस में मिलता है। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम कहते हैं विभक्तियां। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे आप क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे विभक्ति। अब हम देखते हैं कि और पर का अर्थ होता है बाद में। तो कारक चिन्ह संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। कारक चिन्ह जो होते हैं वो संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगते हैं। जैसे ने, तो आप पढ़ेंगे जो कारक विभक्तियां शुरू होती है, आप सभी को पता होगा कि आठ विभक्तियां होती है। कितनी? आठ विभक्तियां। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता ने, कर्ता ने। अब कर्ता कौन होता है? जो कार्य को करता है। यहाँ इस वाक्य में कार्य कौन कर रहा है? बच्चा कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है? बच्चा। बच्चे ने क्या कार्य किया? खाना खाने का कार्य किया। तो कर्ता ने, बच्चा क्या हो गया? कर्ता। कर्ता ने, कर्ता ने, ये हो गई पहली विभक्ति कर्ता ने। कभी कभी कोई चिन्ह नहीं और क्रिया करने वाला क्या होता है? क्रिया करने वाला, जो कि वाक्य में क्रिया कर रहा है। यहाँ पर बच्चा क्रिया कर रहा है और इससे आप पहचान पाओगे कि कर्ता ने। ये विभक्ति आपको याद रखनी पड़ेगी। उसके बाद कर्म को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कर्म को, कर्म यानी जो कर्ता और क्रिया के बीच में होता है उसे हम कहते हैं कर्म। क्या होता है? कर्म। तो कर्म को, तो क्या कहेंगे? शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहला हमने उदाहरण देखा कर्ता ने, कर्ता ने का उदाहरण देखा। अब हम देखते हैं कर्म को, जिसका प्रभाव, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है। तो शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षक किसे पढ़ा रहे? बालक को पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षक यहाँ पर हो गया, क्या हो गया आपका? कर्ता। बालक हो गया कर्म, पढ़ा रहे हैं क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ा? कर्म पर, यानी बालक पर पड़ा। क्योंकि पढ़ कौन रहा है? बालक पढ़ रहा है। तो शिक्षक बालकों को पढ़ा रहे हैं। कर्ता ने कर्म को, कर्म को, ठीक है। तो कभी कभी कोई चिन्ह नहीं होता जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है। कर्म पर किसका प्रभाव पड़ता है? क्रिया का प्रभाव पड़ता है। ये जो आठ विभक्तियां हैं, इन आठ विभक्तियों को आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब हम चलते हैं तीसरा, करण कारक। करण यानी कि से, या कह सकते हैं हम के द्वारा। क्या होता है? से या के द्वारा। अब इसमें क्या होगा? जिस साधन से क्रिया की जा रही है। साधन क्या होगा? वाक्य में किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई साधन जरूर होगा जिससे क्रिया संपन्न हो रही है। तो मजदूर हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है। अब मजदूर के पास हथौड़ा है और हथौड़ा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे पत्थर टूट सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस साधन से क्रिया की जा रही है, पत्थर तोड़ने की क्रिया हथौड़े से की जा रही है। हथौड़ा वहां पर साधन है। तो आप बोलेंगे करण से, कर्ता ने कर्म को करण से,
से का अर्थ होता है कि जिस साधन से क्रिया की जा रही है। तो मजदूर हथौड़ों से पत्थर तोड़ रहा है। अब हम चलते हैं संप्रदान। संप्रदान में लेंगे हम को या फिर के लिए। क्या लेंगे? को या फिर के लिए। तो हम देखते हैं कि जिसके लिए क्रिया हो रही है, जिसके लिए हम क्रिया को कर रहे हैं, वो होता है संप्रदान। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए। जिसके लिए क्रिया हो रही है, बच्चों के लिए क्रिया हो रही है। पिताजी स्वयं के लिए खिलौने नहीं लाए, पिताजी किसके लिए खिलौने लाए? बच्चों के लिए खिलौने लाए। यानी कि जिसके लिए क्रिया होती है वो होता है हमारा संप्रदान कारक। फिर हम देखते हैं अपादान। अपादान जैसे कि करण में हमने देखा, करण कारक में हमेशा से जोड़ने के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो उसी प्रकार अपादान में से अलग होने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अपादान कारक से यानी कि अलग होने का भाव, जहाँ पर अलग होने का भाव हो। माली ने पेड़ से फल तोड़ा। पहले फल कहाँ था? पेड़ पर। तो पेड़ और फल का संबंध था। फिर पेड़ टूट गया, फल टूट गया, तो फल का संबंध पेड़ से था, लेकिन अब फल टूट गया, यानी फल जो है वो पेड़ से अलग हो गया है। तो अलग होने का भाव अपादान कारक में दर्शाया जाता है। तो अपादान से अलग, माली ने पेड़ से फल तोड़ा। पेड़ से फल तोड़ा, पहले वाले में हमने देखा था कि मजदूर हथौड़े से पत्थर तोड़ रहा है, यानी कि जिस साधन के लिए, जो साधन क्रिया के लिए यूज आ रहा है, और इसके अंदर अलग होने का भाव है। फिर हम देखते हैं अधिकरण, संबंध कारक देखते हैं। का की के या रा री ले, जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात होता है। जैसे जैसे क्या हो सकता है? जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो। फिर हम देखते हैं अधिकरण कारक, मैं या पर यानी कि बाद में। तो बंदर डाल पर बैठा है, डाल पर डाल के ऊपर बैठा है। तो अधिकरण का अर्थ हो गया क्रिया होने का आधार या स्थान। क्रिया किस आधार पर हो रही है? क्रिया इस आधार पर हो रही है कि बंदर डाल पर बैठा है। बैठने की क्रिया डाल पर हो रही है, कहीं और अन्य जगह पर नहीं हो रही है। तो क्रिया होने का आधार क्या है? डाल है। किसके लिए? बंदर के लिए। और संबोधन हे या फिर अरे। हे या अरे किसी को संबोधित करने के लिए। जो वाक्य में आप समझ ही सकते हो, हाय राम, ओह, अरे ये क्या हो गया, यानी कि जिस वाक्य में आपको आश्चर्य का भाव नजर आता है वो कहलाता है हमारे संबंध कारक के तहत आने वाले चिन्ह। अब हम आगे देखते हैं संबंध कारक या संबोधन कारक, इसमें इस प्रकार से हो गया। अब हम सबसे पहले चलते हैं कि कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक को हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। तो कर्ता का अर्थ होता है काम को करने वाला। जैसे बालक ने पाठ पढ़ा, दादाजी ने खाना खाया। इसी प्रकार पहले भी उदाहरण में मैंने समझाया था आपको, बालक ने पाठ पढ़ा। किसने पाठ पढ़ा? बालक ने। तो बालक क्या हो गया? कर्ता। तो कर्ता ने पाठ पढ़ा। कर्ता की जगह कौन आ गया? बालक। बालक ने पाठ पढ़ा। तो ये था हमारा सबसे पहले कर्ता कारक, जिसका चिन्ह होता है ने। ने से हम संबोधित करते हैं। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक ऑब्जेक्टिव केस। संज्ञा या सर्वनाम द्वारा की गई क्रिया का फल या प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे माँ ने बालक को बुलाया। कर्ता ने कर्म को, बालक को, माँ ने बालक को बुलाया। किसे बुलाया जा रहा है? बालक को। बालक कौन है? कर्म। माँ ने कर्म को बुलाया, कर्म की जगह बालक आ जाएगा। तो इसी प्रकार ये को आपको ध्यान में रखना है, ये इसका चिन्ह है। इसी प्रकार करण कारक देखते हैं हम। जिसकी सहायता से कोई कार्य हो तो वो संज्ञा सर्वनाम शब्द करण कारक कहलाते हैं। लड़के ने मुरली से धुन बजाई। लड़के ने किससे धुन बजाई? मुरली यानी बांसुरी से धुन बजाई। तो दोनों में अलग होने का भाव नहीं, एक होने का भाव है। बढ़ई ने आरी से लकड़ी काटी। अब आरी है तभी लकड़ी कट रही है, आरी से लकड़ी कट रही है, आरी अलग होने का भाव नहीं है, उसे लकड़ी कट रही है। फिर हम चलते हैं संप्रदान कारक की तरफ। तो संप्रदान का शाब्दिक अर्थ होता है देना। जिसके लिए कोई कार्य किया जाए या उसे कुछ दिया जाए तो वह संप्रदान कहलाता है। मधुर दादाजी के लिए फल लाया, यानी कि कोई भी कार्य दूसरों के लिए किया जाता है। पिताजी बच्चों के लिए खिलौने लाए, तो बच्चों के लिए खिलौने लाए जा रहे हैं, पिताजी स्वयं अपने लिए नहीं लाए। किसी प्रकार का देने का भाव हम संप्रदान कारक के अंतर्गत रख सकते हैं। तो मधुर दादाजी के लिए फल लाया, माँ ने गाय को चारा दिया, ठीक है, तो देने का भाव संप्रदान कारक में आएगा। उसी प्रकार आगे हम देखते हैं अपादान। अपादान यानी कि अलग होना, पहले भी बताया आपको। तो लता से फूल झड़ गए। फूल और लता दोनों का संबंध है कि फूल जो है वो लता से अलग।
अपादान कारक में से एक अर्थ अलग होने के अर्थ में है। चिड़िया पेड़ से उड़ गई। पहले चिड़िया कहाँ बैठी थी? पेड़ पर बैठी थी, लेकिन अब पेड़ से उड़ गई, यानी चिड़िया और पेड़ का संबंध अब नहीं है, वे दोनों अलग हैं। आगे हम देखते हैं, आगे हम अपादान कारक के बाद हम देखते हैं अब करण कारक और अपादान कारक में अंतर। आपको सभी को पता ही है कि करण कारक मिलवाने के लिए और संबंध सॉरी अपादान कारक कारक अलग करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर हम देखते हैं संबंध कारक। तो संबंध में का के की या रा रे री यानी आप समझो कि यह मेरा कंप्यूटर है या यह मेरी पुस्तक है। रा रे री वाक्यों में पीछे आएगा, रा रे री कुछ भी आ सकता है। वह माधुरी का घर है, माधुरी का, वह माधुरी का घर है, यानी संबंध कारक में स्वयं अपने अपने बारे में बात की जाएगी। संबंध कारक में का के की या रा रे री के माध्यम से वाक्य में पता लगा सकते हो कि ये कारक कौन सा है। यह मेरा कंप्यूटर है, मेरा, रा पीछे एक वर्ण आया है, और इसी प्रकार यह माधुरी का घर है तो का है, तो इसी कारण आप समझ जाएंगे। फिर हम चलते हैं अधिकरण कारक की तरफ। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार या उसके होने के स्थान का या समय का बोध होता है, उसे हम कहते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में बच्चे कक्षा में बैठे हैं, मैं या पर इससे संबोधित होगा वाक्य। यह आपको जब तक आप विभक्ति के चिन्ह याद दे रखोगे कारक के, आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई वाक्य दे भी दिया जाए तो आप पता ही नहीं लगा पाओगे कि इसके अंदर कर्ता कारक है, कर्म है, संप्रदान है, संबंध है, क्या है, जब तक आप उन विभक्तियों के चिन्ह पता नहीं लगा लेते। तो अधिकरण कारक में आता है मैं या पर। तो बच्चे कक्षा में बैठे हैं, घड़े पर कौवा आ बैठा, मैं और पर, वाक्य में मैं और पर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये अधिकरण कारक का उदाहरण है। फिर हम देखते हैं संबोधन कारक। तो संबोधन कारक में संबोधन का अर्थ होता है पुकारना, और हे, अरे, ये सारे जो भी शब्द हैं ये संबोधन कारक संबोधन वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो संबोधन में आएगा, अरे अंकित तुम सॉरी इधर आओ, हे ईश्वर सबकी रक्षा करो। जब भी संबोधन कारक आएगा आपको पीछे विस्मय आदि बोधक चिन्ह देखने को मिलेगा। जब भी आप लिखेंगे हे, हे विस्मय आदि बोधक चिन्ह, राम क्या हो गया, हे राम क्या हो गया, या हे ईश्वर क्या हो गया, तो विस्मय आदि बोधक चिन्ह का अर्थ होता है आश्चर्य की भावना से, आश्चर्य की भावना से युक्त वो वाक्य होगा और आपको पता चल जाएगा कि ये संबोधन कारक का उदाहरण है। तो ये थे हमारे कारक, और कारक के 8 प्रकार कह सकते हैं, कारक की 8 विभक्तियां कह सकते हैं। एक बार हम विभक्तियों को फिर से रिपीट करते हैं कि कर्ता ने, हमेशा कर्ता ने जिस जो क्रिया करने वाला है उस पे बताया जाएगा कि कर्ता ने जो कार्य कर्ता द्वारा किया जा रहा है, क्रिया का, क्रिया करने वाला हमेशा कहलाएगा कर्ता कारक। कर्म कारक जिसमें को, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। करण कारक यानी से, यानी कि जुड़ने का भाव, जिस साधन से क्रिया की जा रही है, अगर पत्थर तोड़ा जा रहा है तो हथौड़े से तोड़ा जा रहा है। संप्रदान में का या के लिए, यानी किसी दूसरे के लिए देने की भावना से कोई कार्य किया जा रहा है। अपादान में से, यानी इसमें से पृथकता का भाव है, अलग होने का भाव है। संबंध कारक में का की के या रा री रे आएगा। अधिकरण में मैं या पर, और इसी प्रकार संबोधन में हे या अरे। तो ये था आपका कारक, आपको ये कारक समझ में आया होगा। इसी प्रकार आपको कारक का ये परिभाषाएं एक एक तरीके से आपको अच्छी तरीके से पढ़नी है। धन्यवाद।